वो पाकिस्तान ही क्या जो नीचता से बाज आए और पिटे नहीं। पाकिस्तान की नई इंटरनेशनल बेइज्जती श्रीलंका में हुई। मालदीव की धुलाई के बाद भी पाकिस्तान ने श्रीलंका में यूनिसेफ के कार्यक्रम में कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने न सिर्फ इसका जमकर विरोध किया बल्कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी दिया। इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट एट अ चाइल्ड राइट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिसेफ इन श्रीलंका द पाकिस्तानी डेलीगेशन tries to internationalize the matter of Jammu and Kashmir. We firmly reminded them that Jammu and Kashmir is an integral part of India, and India is the largest democracy in the world. And as stakeholders in Indian democracy, an Indian voice will be heard, not that of a vested interest, not that of a foreign country, and not certainly that of Pakistan. श्रीलंका में दक्षिण एशिया के सांसदों का बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी मान नहीं रखा। के खिलाफ नाइंसाफियों का जाला करना होगा। हमारी पार्लियामेंट दुनिया कैसे फिसे हुए तमाम लोगों के साथ। दो दिन पहले ही मालदीव की संसद में दक्षिण एशिया के देशों के स्पीकरों की समिट में भी पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कश्मीरी और कश्मीरियों को लेकर अनाप शनाप बोलने लगे, वो भी तब जब पहले से तय था कि इस फोरम से कोई सियासी बातें नहीं होंगी। और जुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहाँ भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का जाला करना और जुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैन अल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का जाला करना होगा। हमारी पार्लियामेंट दुनिया कैसे फिसे हुए तमाम लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए इनके साथ। द डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान देयर इज एन ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन वी प्लीज हियर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलेट्स टू द स्टेटमेंट गिवन बाय Here, Excellency, we strongly object to the raging of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. चाहे कोई भी मंच हो, चाहे कोई भी पाकिस्तानी नेता हो, कश्मीर राग के बिना हलक से पानी नहीं उतरता। कश्मीर से 370 हटने के बाद बौखलाहट ऐसी थी कि इमरान खान एटम बम दिखाने लगे और उनके मंत्री शेखी बघारने लगे। बचपन से है, हर पाकिस्तान के हाथ में ये भी चीज है। Please,